टेंथ इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम एग्जाम प्रिपरेशन वाले जो श्रृंखला चला रहे हैं वीडियो की, उसके पार्ट वन में हमने कल पढ़ा था ग्रामर का पार्ट वन, जिसको बोला था फिलर क्वेश्चंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हमने किए थे। और आज हम उसी क्रम में डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज है उनको हल करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं इनको बहुत अच्छे से देखें और कॉपी में एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आप वहाँ एग्जाम में हर चीज बहुत अच्छे से कर पाएं। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। ये भी जो डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आने वाले हैं। 5 मार्क्स के फिलर क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ही डिड हिज वर्क वेल। अब इसका हमको क्या बनाना है, चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब हमको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आंसर होगा ही डिड नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, यानी वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस। अब यहाँ दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे है ये लड़का मेरा कजन है और ये लड़का जिसने रेस जीती हुई है। इन दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ना है और एक न्यू सेंटेंस फॉर्म करना है, लेकिन यूज करना है रिलेटिव क्लॉज। ये जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं, हु, वेयर, वहां से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर नाउन फॉर्म में हु लगेगा, तो आंसर क्या होगा, द बॉय इज माई कजिन हु हैज वॉन द रेस, यानी वो जो लड़का है वो मेरा कजन है जिसने अभी रेस जीती हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। अब इन दोनों, मतलब इस सेंटेंस को हमको फिर से लिखना है और क्या करना है, अनलेस की जगह हमको इफ का यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर अनलेस को अगर हम हटा दें तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव मीनिंग दे रहा, तो हमको इफ के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना पड़ेगा इसके फर्स्ट हाफ को। तो क्या होगा, अनलेस को हटा के हम इफ लिख देंगे और लिखेंगे यू डू, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। फिर से इसको रिपीट करते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। एक बार आप इसको कॉपी में लिख के जरूर प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज बनने लगेंगी। फोर्थ क्वेश्चन देखें, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अमन कैसा है, बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, और वो ये एग्जाम बहुत आसानी से पास कर लेगा। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं और इनको हमको जोड़ करके एक नया सेंटेंस फॉर्म करना है, लेकिन जिस चीज से जोड़ना है वो है सो दैट, सो दैट का यूज करना है। तो जनरली हम देखते हैं कि सो एक इम्फेसिस, मतलब हमको एक उसमें इम्फेस करना पड़ता है, तो हम वेरी को हटा के क्या कर देंगे, सो पुट कर देंगे, और दोनों सेंटेंस के बीच में हम कंजक्शन दैट यूज कर लेंगे। और यहाँ पर ये जरूर ध्यान देना कि जब आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं, तो जो सेकंड सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट लेटर है यदि वो नाउन में नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल से रन करेगा। तो क्या हो जाएगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट, हमने फिर क्या लगाया इसके बीच में, दैट लगाया, दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करने आएंगे आपको। आंसर 5, क्वेश्चन 5 पहले देखें, दे आर सेलिंग देयर हाउस, वो अपना घर बेच रहे हैं। चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको इसको बदलना है, और अभी ये किस में चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलने के लिए हमको हैव और हैज लगाना पड़ता है, और इसके साथ हमको यूज करना पड़ती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमको इसके टेंस को चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है मैन, जिसको हम स्पेसिफाई फीचर बोले, तो हैव और हैज उसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो हम सिंपल करेंगे, आर की जगह हम हैव लगाएंगे, और सेलिंग की जो मेन वर्ब है सेल, उसका थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो क्या हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, वो अपना घर बेच चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, शी स्पीक्स द ट्रथ, वो हमेशा क्या, वो क्या बोलती है, सच बोलती है, और इसको हमको किस चीज में बदलना है, नेगेटिव में। तो शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब उसमें लगेगी वो डज होगी, तो शी डज नॉट स्पीक्स द ट्रथ, वो सत्य नहीं बोलती है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या बोला है, वो बता रहा है कि वो यहाँ सुबह से ही खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, खेल चुके रहे हैं, तो यहाँ पर हमको किस सेंटेंस में बदलना, किस टेंस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्पेशल फीचर होता है हैड बीन लगती है और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। बिल्कुल सेम इसी के जैसे, बस यहाँ पर हैड की जगह हमको क्या पुट करना रहेगा, हैड पुट करना रहेगा। तो आंसर हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बहुत इजी है ये, पूरा किस में चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा, इसको हमको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैव को हम पास्ट टेंस की जो वर्ड है, वर्ब है, ऑक्सिलरी हैड, उससे रिप्लेस कर देंगे और पूरा सेंटेंस जो कहते हो आ जाएगा। एट नंबर का क्वेश्चन देखो, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, वो बहुत बीमार है स्कूल जाने के लिए, वो बहुत बीमार है, सिंपल ऐसा होता। अब हमको इसको फिर से लिखना है और क्या करना है, टू की जगह हमको सो दैट यूज करना है। सिंपल है कि जब हम टू की जगह सो दैट यूज करेंगे तो टू को रिप्लेस करेंगे सो से, और यहां तक तो हमारा ठीक पूरा सेंटेंस आ जाएगा, ही इज सो इल, दैट भी हमने लगा लिया। लेकिन ये सेंटेंस का जो लास्ट वाला ये सब सेंटेंस बचता है, ये कैसा है, पॉजिटिव वे में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो इल दैट ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकता, वो बहुत बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, ये जो लंबा आदमी है ये एक डॉक्टर है, यही लंबा आदमी मेरे पिता से बात कर रहा है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ना है, कंबाइन करना है, किस चीज का यूज करना है, हु का, हु क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। तो यहाँ पर द टॉल मैन हु इज, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर, और उसके बाद हम फर्स्ट सेंटेंस का बार बार द टॉल मैन यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक बार आ चुका, तो इज अ डॉक्टर ये वाला सेंटेंस सब सेंटेंस यहाँ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर, वो लंबा व्यक्ति जो मेरे पिता से बात कर रहा है डॉक्टर है। टेंथ क्वेश्चन देखो, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर हमको सो का यूज करना, सो क्या है, किसी कारण को बताने के लिए, इसलिए ऐसा की, तो क्या हो जाएगा, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, ही टीचेस हिंदी, अब इसको हमको पैसे वाइज में बदलना है, तो पैसे वाइज का वीडियो मैं आपको समझा चुकी हूं, आप उसको देख करके फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, हिंदी इज टीच का जो है वो टॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 12, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे क्या बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, और इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, द टॉयज आर बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, मतलब जो खिलौने हैं वो बच्चों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये है जंबल, इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहेगा, मतलब जो सेंटेंस है उसके कई पार्ट आपको ऐसे ऑब्लिक करके दिए हुए रहेंगे और उनको जोड़ के आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहेगा। तो क्या होता है, जैसे पजल रहते हैं ना, पजल वर्ड अपन लोग बचपन में, वैसे ही इसमें जंबल वर्ड दिए रहेंगे और उसको जोड़ के आपको एक न्यू सेंटेंस मीनिंगफुल फॉर्म करना रहेगा। तो यहाँ पर है इन द पार्क, वर प्लेइंग, चिल्ड्रन, फुटबॉल, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे चिल्ड्रन, फिर आ जाएगा हमारा वर्ब वाला पोर्शन, वर्ब प्लेइंग और फुटबॉल इन द पार्क। तो चिल्ड्रन बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं पार्क में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो,
शी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। अब यहाँ पर इसको फिर से नेगेटिव फॉर्म करना है, तो शी डिड नॉट शट द डोर, वह डोर बंद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 16, ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, प्रश्नवाची वाक्य बनाना। तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, बहुत सिंपल तौर पे अभी लें तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क पुट करना जरूरी होता है। आंसर, हैज ही टेकन अ टी, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको आगे रखेंगे और बाकी पूरा सेंटेंस रख के हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैज ही टेकन अ टी। क्वेश्चन नंबर 17, शी लिव्ड इन शिवपुरी, वो शिवपुरी में रहती है। चेंज इनटू इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाची वाक्य बनाना है, फिर वैसे ही करेंगे, चूंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं है तो हम यहाँ पर डिड लगाएंगे। डिड शी लिव्ड इन शिवपुरी और क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। ये जो ग्रामर की प्रैक्टिस में करवा रही हूँ, ये बहुत इजी वे में बता रही हूँ बेटा, कि जिसको ग्रामर बहुत अच्छे से नहीं आ रही है या जो बच्चे इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, वो बहुत सरल तरीके से इन एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अनीता रीड द रामायण एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, तो हो गया अनीता डज नॉट रीड द रामायण एवरी डे, अनीता रोज रामायण नहीं पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, फिर से वही आया, एक अपन इसके पहले एक एक्सरसाइज कर चुके कि टू को हमको रिप्लेस करना है किससे, सो दैट से, तो टू को रिप्लेस करके हम सो कर देंगे बीच में दैट लगा के, और ड्रिंक वाले इसमें इसको नेगेटिव बना के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी इज सो हॉट, इसके बाद हम लगाएंगे दैट आई कुडंट ड्रिंक, चाय बहुत गर्म है, मैं इसे अभी पी नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। अब यहाँ पर अनलेस को रिप्लेस करना है और क्या यूज करना है, इफ करना है, तो हो जाएगा इफ इट रेन्स, यदि पानी बरसता है, और ये वाला सेंटेंस जो है इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। इफ इट रेन्स, यदि पानी बरसता है या बारिश होती है, We shouldn't go to school. हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। 21. If she does not come on time, the teacher will punish her. अब यहाँ बोल रहा है if का यूज कर रहा है, यदि वो समय पर नहीं आएगी तो टीचर उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे, और यहाँ पर हमको यूज करना है unless. तो if को हटा के हम unless लिखेंगे, unless she comes on time, यदि वो, क्योंकि unless अपने आप में ही नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव दिया हुआ ना does not, इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, अलग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा unless she comes on time, the teacher will punish her, यदि वो समय पर नहीं, अगर समय पर नहीं आती है तो टीचर इसको पनिश करेंगे। बच्चों unless, if, so that, two और two, ये वाले क्वेश्चन के जो एक्सरसाइज है आप बहुत अच्छे से करिए, इनमें से जरूर एग्जाम में दो तीन एक्सरसाइज आती ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। अब ये दोनों बहुत कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस आ गए, कि वो अमीर है और वो खुश भी नहीं है, मतलब अमीर होते हुए भी खुश नहीं है, तो नॉट हैप्पी को हम अनहैप्पी भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी, वो अमीर है लेकिन कैसा है, ना खुश है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, दे प्लेड वेल, यहाँ वेल है बेटा, दे कुड नॉट विन द मैच, उन्होंने बहुत अच्छे से खेला लेकिन वो मैच नहीं जीत पाए। अब ये दोनों सेंटेंसेस को हमको कंबाइन करना है दो को यूज करके, दो यानी यद्यपि, दो दे प्लेड वेल, सबसे पहले हम दो का यूज करेंगे और ये सेंटेंस लिखेंगे, दो दे प्लेड वेल They could not win the match. यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, फिर भी वो क्या हुए, मैच को नहीं जीत पाए। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। अब वो क्या बोल रहा है, हिंदी जो है वो इतनी कठिन नहीं है जितनी की इंग्लिश है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री।
अब यहाँ हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज करना, मतलब देन का यूज करना रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, हिंदी इज इजियर देन इंग्लिश, यानी हिंदी अंग्रेजी के मुकाबले में सरल है। क्वेश्चन नंबर 25, ही टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब इसको हमको पढ़ाते थे, इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही वैसे लिखेंगे, टॉट का टीच होता है तो ही टीचेस इंग्लिश। तो बच्चों ये थे आपके डू एज डायरेक्टेड के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से समझें, कॉपी में एक बार एक एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें।